दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो कब तक शुरू होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने टीवी एंड न्यूज़ में कई बार वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि जंग कितनी खतरनाक होती है, इसमें लाखों सिरों की जान एंड देश को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसने जंग ना लड़ी हो। वर्ल्ड वॉर 1 काफ़ी खूंखार था। माना जाता है कि उस समय में ज़्यादातर जंग तलवारें सैनिकों की संख्या पे जंग जीती जाती थी और उस जंग में बेरहमी से लड़ा जाता था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखकर समझ ही सकते हो। फिर दौर आया मशीन गन्स एंड लड़ाकू विमानों का, जिसने जंग करने का तौर और तरीका ही बदल कर रख दिया। जितना नुकसान और तबाही वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है, उतनी तबाही या नुकसान शायद ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत से देशों को लड़ाकू विमान एंड मिसाइल की अहमियत समझ में आई, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी है जिससे दूर से ही दुश्मन के अड्डों पर, आर्मी पर और उसके ठिकानों पर एक्यूरेट तरीके से हमला किया जा सकता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक बहुत से देशों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम और स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया है, जो कि इतने खतरनाक है कि पल भर में किसी भी देश की आर्मी को और उस देश को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। दोस्तों जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से आज रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और किसी ना किसी देश का किसी ना किसी देश से झगड़ा जरूर है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लेकिन हर कोई देश अपने दुश्मन देशों से लड़ाई जंग लड़ रहा है, भले ही वो दिखाते नहीं है, लेकिन हर देश की खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंट एंड हैकर्स की मदद से एक दूसरे की जासूसी करते हैं और दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में हमेशा एजेंट की जान को खतरा होता है और पकड़े जाने पर उसे बहुत सारा टॉर्चर भी सहना पड़ता है। अगर बात की जाए हमारे देश इंडिया की, तो हम भले ही बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से खुफिया एजेंट इंडिया में मौजूद हैं और इंडियन एजेंट्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज के ज़माने में जंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेटा की हो रही है, क्योंकि आप मानो या ना मानो लेकिन आज के समय में सबसे पावरफुल चीज़ है टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेटा। आज के ज़माने में कोई भी देश आमने सामने की जंग नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की जान जाती है और देश की इकोनॉमी एंड खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए बहुत से देशों ने अपने वॉरहेड्स तैयार रखे हैं, क्योंकि आर पार की जंग में यही चीज़ काम आती है। हथियारों की जंग हर देश के लिए लास्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि जब कोई ऑप्शन काम नहीं आता है तब ये लास्ट ऑप्शन की ही मदद लेनी पड़ती है। बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर 3 हथियारों से लड़नी चाहिए या डेटा से? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के दिन को काफी है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।